टच के बाबू शोभाराम कला कॉलेज में कॉलेज के एक छात्र के साथ बाहर से आए युवकों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में कॉलेज के छात्रों ने हंगामा कर दिया और कॉलेज का गेट बंद कर मारपीट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी और कॉलेज में पुलिस चौकी की मांग की। साथ ही मारपीट में घायल हुए छात्र के इलाज के लिए मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे छात्रों के साथ समझाइश की, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र नहीं माने और करीब 2 घंटे तक कॉलेज का गेट बंद रख प्रदर्शन किया। इसके बाद कॉलेज प्रशासन व पुलिस द्वारा समझाने पर छात्रों ने गेट खोला। कॉलेज छात्र साजिद खान सचिन गुजर ने बताया कि कॉलेज परिसर में करीब आधा दर्जन युवक धारदार हथियार डंडे लेकर आए और कॉलेज के छात्र तालिब खान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आज 9:30 बजे के समथिंग एक घटना हुई है। हमारा साथी था तालिब खान, जिसको कि यहाँ पर आकर बाहर के लड़कों ने पीटा है, जिन्होंने धारदार हथियार से उस पर वार किया है और फायरिंग वगैरह भी की है। फिर भी कॉलेज प्रशासन उन पर ऐसा दबाव नहीं बना रहा। थानेदार साहब यहाँ बैठे हैं। कौन लोग हैं ये जिन्होंने? ये जी इतना हमको मालूम नहीं, बाहर से आए हैं। कॉलेज प्रशासन को काफी बार बोल चुका है, हमें यहाँ चौकी चाहिए, चौकी चाहिए, पर हमारी सुनते नहीं। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि हमने कितनी बार मांग की है, कम से कम 10 बार के तो मैं दे सकता हूँ आपको। बार बार मांग करते फिर अब कुछ शिकायत आई है लड़कियों की कि हमें कुछ टीचर यहाँ पे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बोलते हैं आप लड़कों को भाई वगैरह ना बोला करें। एक दो टीचर है कि जो लड़कियों को मैसेज करते हैं, बोलते हैं आप हमसे बात कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आगे एग्जाम वगैरह होंगे तो बात भी हम देख लेंगे। फिर भी टीचर हमको दबा रहे हैं, ये बोल रहे हैं टीचर का नाम तो ऐसे नहीं। किसके साथ हुआ है आज जो सर? वो हॉस्पिटल में, सर हॉस्पिटल में उसका फिलहाल हमें सूचना लगी कि उसका एक पैर टूट गया है, धारदार हथियार से काफी उसके निशान है और हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हैं। हम कॉलेज प्रशासन से कह रहे हैं कि उसका पूरा खर्चा ये उठाएंगे। वो गरीब घर का लड़का है, हम सभी गरीब है, सिर्फ हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और कॉलेज प्रशासन हमारे सर कोई ऐसी घटना नहीं। वो सिर्फ शांति से अपने आज ट्रायल थी रनिंग की, तो एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, वह भी अपने आया हुआ था, बस वो आए और उसको पीट के चले गए। और कॉलेज प्रशासन ने फिर भी टीचर इतने 125 टीचरों के समथिंग है, कोई उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, अभी तक कोई मिलने नहीं गया। धर्मशाला बना रखी है इन्होंने, स्पोर्ट वाले स्टूडेंट उसको करका है। आप बूझो टीचरों से कि अब भी कोई गया आप पे स्टूडेंट? जल्दी से जल्दी छह जने बता रहे हैं, 6 के खिलाफ मुकदमा हो, जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए। जितना भी उसके पैसा लगेगा सारा कॉलेज प्रशासन उठाएगा। हमें यहाँ पे चौकी चाहिए जल्दी से जल्दी, और जो असामाजिक तत्व टीचर है यहाँ इनको मेटो जल्दी से जल्दी। यहाँ नहीं मेटते हैं तो हम कॉलेज का गेट बंद करेंगे, चाहे हमें यहाँ पे धरना देना पड़े, चाहे एक दिन की जगह 2 दिन बैठना पड़े, हम नहीं हटेंगे। मेरे सामने 6 लड़के आए और उसके ऊपर हथियार धारदार हथियार से चार्ज किया गया, डंडे भी थे, गन भी थी, उनके पास फायरिंग भी की। यहाँ पे उसका पैर टूट गया है और वो बंदा फोन कर रहा है हॉस्पिटल में से, बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है। उसको पैसे कौन देगा? ये प्रशासन को जिम्मेदार लेनी पड़ेगी। और उस पैर टूट गया, पैर के बदले पैर दे सकता है क्या प्रशासन? हाँ मैं मौके पे था, कुछ नहीं, ओनली बच्चा पढ़ने आया था यहाँ पे बस, और निहत्ता खड़ा था अकेले के अकेले के ऊपर आके 6 जनों ने गुंडागर्दी की है। यहाँ बाहर के आते हैं, यहाँ पे राजनीति करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, दबाव बनाते हैं, तो कॉलेज प्रशासन का रहने वाला है वो नूह का है सर, बड़ौदा मेयो का है वो, उसका नाम है तालिम खान जी, बिल्कुल भारतीय है। मैं उसको बेहोश को यहाँ से उठा के लेके गया हूँ और वह ऊपर 2 गार्ड हैं, गार्डों नीचे आके ये नहीं देखा कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।